रायबरेली खीरो थाना क्षेत्र के सेमरी चौकी के अंतर्गत ग्राम सटकीहा मजरे बकुलीहा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति की नशे की हालत में तालाब में गिरकर मौत हो गई। जहां एक तरफ होली के शुभ अवसर पर सभी के घरों में खुशी का माहौल था, वहीं एक तरफ गांव के सटकीहा मजरे बकुलीहा के निवासी अनिल गौड़ ने मदिरा पान का सेवन अधिक करने के कारण तालाब में गिर गया, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। दरअसल वह गांव के बाहर तालाब के किनारे शौच के लिए गया था, तभी वह शौच के लिए तालाब से पानी ले रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में जा गिरा। शराब इतनी ज़्यादा पी रखी थी जिससे वह संभल ना सका और उसकी मौके पे मौत हो गई। जब इस घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो उनके घर में कोहराम मच गया। मृतक अनिल गौड़ उम्र 45 वर्षीय, पुत्र स्वर्गीय राम भजन, अपने पीछे 10 वर्ष का एक लड़का और एक 8 वर्षीय लड़की समेत अपनी पत्नी मंजू को छोड़कर चले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सटकीहा मजरे बकुलीहा गांव में कच्ची शराब का जखीरा यानी कच्ची शराब के कारोबार का अड्डा है, जिसके कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कभी कोई नशे की हालत में मारपीट करता है, इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। कच्ची शराब के चलते यह सब घटनाएं घटित होती रहती हैं। समय रहते अगर इन कच्ची शराब की भट्टियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या कहा ग्रामीण ने। गांव कौन सा? सटकीहा। आज यहां पर क्या हुआ जो इतनी भीड़ लगी आज? अनिल गोड़िया टट्टी भा म्याड़ पड़ते समचल लाग तो म्याड़ पर फिसल के गिर पड़ा ताल में। किस ताल में गिर गया? यही ताल में गिरेगा। ऐसे कैसे कि नशा वसन तो नहीं? नशे में तो रही तभी तो गिरेगा। क्या हुआ फिर उसके बाद? अब बोलेगा आदमी गाँव को ढूंढ के निकाले ना। पुलिस आई कि नहीं आई? पुलिस आ चुकी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रहे पंचनामा लिख दियो।